हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दो वीडियो आज की डेट में आ चुकी है, जाके चैनल पे यहाँ पर देखिए। ओके, अदरवाइज आई बटन पे आपको यहाँ पर ये वीडियोस मिल जाएंगी। काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स, उनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस से रिलेटेड यहाँ पर बातें करिए, चार्ट से रिलेटेड बातें करिए, जहाँ पर आपको इनके चार्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेगी। तो इन दो वीडियो को जाके देख लीजिएगा, और कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी आपको करनी है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या कि आज जो मार्केट गिरी, मार्केट में जिस तरीके से यहाँ पर खून खराबा होता हुआ दिखाई दिया, जिस तरीके से सेंसेक्स, जिस तरीके से यहाँ पर निफ्टी गिरती हुई दिखाई दी, जिस तरीके से स्टॉक्स लास्ट में धराशायी होते हुए दिखाई दिए, तो उस सभी चीज़ों से रिलेटेड हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे निफ्टी के व्यू से रिलेटेड, हम बात करेंगे यहाँ पर अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड, और हम बात करेंगे मेन कि कहाँ पर जाके निफ्टी रुकेगी और कहाँ पर आपको अब अपॉर्चुनिटी मिल रही है सेक्टर में इन्वेस्ट करने की, क्योंकि सेक्टर रोटेशन नाम की चीज़ होती है। तो कुछ सेक्टर यहाँ पर रोटेट होते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना बॉटम बना लिया है। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, बट सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट, ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन। अगर आप नए आए हैं तो हर एक वीडियो को लाइक और लास्ट तक जरूर देखें, ताकि चीजों को समझ सके। चीजों को समझेंगे तो थोड़े बहुत टाइम में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसा अपने आप बनता हुआ नजर आएगा। तो मार्केट सबसे पहले गिरती हुई नजर आई, क्यों गिरती हुई नजर आई उससे रिलेटेड बातें करेंगे। तो शायद इसी अंदाज में आज आरबीआई साहब आए, आके उन्होंने उंगली दिखाई, और उंगली दिखाई तो उन्होंने मार्केट गिरती हुई दिखाई दी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट, रिजर्व बैंक ने यहाँ पर हाइक कर दी है रेट। तो क्या रेपो रेट उन्होंने 40 बेसिस पॉइंट, और यहाँ पर जो कि यहाँ पर 4.4 हो गया है परसेंट, एज वेल एज यहाँ पर देखे उन्होंने एक और यहाँ पर रेपो रेट CRR यहाँ पर ऊपर, कैश रिजर्व रेट भी यहाँ पर बढ़ाते हुए दिखाई दिए, वो भी 0.5 बेसिस से दोनों यहाँ पर रेट बढ़ते हुए नजर आए। तो यहाँ पर रेट बढ़ने की वजह से यहाँ पर देखिए तो आज मार्केट में जैसे ही आए तो यहाँ पर कोई मीटिंग स्केड्यूल नहीं थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके। और यहाँ पर जैसी मीटिंग में आए, और उन्होंने पहले यहाँ पर मीटिंग कर रखी थी, और आते ही साथ सब कुछ धमाका कर दिया। धमाका करते ही साथ यहाँ पर ये सारी चीजें होती हुई दिखाई दी, और मार्केट यहाँ पर क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। ये सिंपल रीजन है। और रेपो रेट ये क्यों बढ़ाया? जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन किस तरीके से बढ़ रहा है आप देख सकते हैं। आप मार्केट में जाते हैं, जो चीज 1 रुपए की मिल रही थी वो अब 2 रुपए की मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अलग अलग तरीके के युद्ध की वजह से यहाँ पर ऑयल से रिलेटेड और बहुत सारी चीजें, कमोडिटी के प्राइस और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर चीज पे, हर फैक्टर नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको नजर रखनी है निफ्टी 50 में कहाँ पर ये गिरता हुआ नजर आएगा, किस सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर इस गिरावट का भी फायदा उठाना है। ये नहीं कि आप बेच के निकल गए, गिरावट का फायदा उठाना है सिंपली, क्योंकि यहाँ पर जब चीजें ऊपर थी तब आपको यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक किया होगा, अब यहाँ पर इन्वेस्ट करने का टाइम आ गया है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बट आज एक और मीटिंग है, और वो मीटिंग है फेड की, ओके। और जैसे ही फेड की मीटिंग आएगी तो आपको पता ही है यहाँ लगभग 50 बेसिस पॉइंट यहाँ पर बढ़ने की बात हो रही है, ओके। 50 बेसिस पॉइंट यहाँ पर बढ़ेगा, तो ये तो ऑलरेडी डिसाइडेड था। तो यहाँ पर जो डिसाइडेड नहीं था वो था आरबीआई का यहाँ पर इस तरीके से रेट हाइक करना, ये डिसाइडेड नहीं था, इस वजह से मार्केट गिरावट हुई, और गिरावट ऑलरेडी हो गई है। बट लास्ट टाइम भी यहाँ पर गिरावट हुई थी जब यहाँ पर फेड की मीटिंग हुई थी, उसके बाद रैली हुई थी, अगेन यहाँ पर गिरावट होती नजर आ रही है। बस कुछ सपोर्ट लेवल मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि उन सपोर्ट पे यहाँ पर आके चीजें यहाँ पर शायद बदलती हुई दिखाई दे सकती है। आज का यहाँ पर जो सपोर्ट इसने लिया है नीचे के लेवल पे, एक बेहतरीन सपोर्ट यहाँ पर दिखाई देता है, ओके। बट यहाँ पर अगर चीजें यहाँ से कल की डेट में ऊपर चली जाती है, मार्केट अगर यूएस की डो जोन्स और यहाँ पर नैसडेक अच्छा रहता है, तो चीजें ऊपर चली जाती हुई दिखाई दे सकती है यहाँ से। और एक यहाँ पर समझिएगा कि इसने यहाँ पर एक सपोर्ट बनाता हुआ नजर आया, बट अगर इसे क्रॉस कर देता है तो फिर उसके बाद समझिएगा सीधे यहाँ पर 16,400 के आसपास, और फिर सीधे यहाँ पर 16,238 के आसपास ही चीजें आके रुकती हुई नजर आएगी। और उसके बाद भी अगर गिरा तो 15,600 का जो लेवल था लास्ट, उधर तक चीजें आती हुई दिखाई दे सकती है। तो इसके लिए आपको क्या रहना है, इसके लिए आपको रहना है प्रिपेयर कि कब यहाँ पर मार्केट में कुछ हो जाए आपको पता नहीं है। तो निफ्टी 50 इस तरीके से बिहेव करती हुई दिखाई देगी, तो यहाँ पर कल मार्केट किस तरीके से, रात को यहाँ पर देख लीजिएगा तो आपको एक आइडिया लगता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ पर निफ्टी बैंक से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। निफ्टी बैंक यहाँ पर देखिए एक बेहतरीन सपोर्ट पे यहाँ पर बार बार आ रही थी, खड़ी हुई थी, तो यहाँ पर आज देखिए तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट नजर आता है
बट यहाँ पर अगर गिरावट होती है तो चीजें सीधे बिगड़ती हुई नजर आएगी और चीजें इसे 34,000 तक ड्रैग करके ले जा सकती है, और 34,000 के बाद सीधे 32,000 का लेवल भी यहाँ पर ओपन ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कल की सब चीज दिखाई देगी। और अभी रेजिस्टेंस की बात करें, इसके लिए रेजिस्टेंस ये बना पड़ा है 35,537 को यहाँ पर क्रॉस करना जरूरी है, तभी जाके यहाँ पर ये रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिखाई देगा। बट अभी यहाँ पर सपोर्ट देखिए तो यहाँ पर नीचे के लेवल यहाँ पर ओपन होते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरीके से निफ्टी 50 का भी सपोर्ट की अगर बात करें, यहाँ पर देखिए इसने यहाँ पर इस लेवल को निकालना बहुत जरूरी है। 16,800 का लेवल निकालेगा तब जाके यहाँ पर हम बात करेंगे फिर 17,400 की, और फिर हम बात करेंगे ये वाले लेवल्स की। तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से बिहेव करना है। इसके अलावा हम बात करेंगे निफ्टी मेटल की। निफ्टी मेटल आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक सपोर्ट था लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, एक बेहतरीन सपोर्ट नजर आता है, बट वो सपोर्ट को इसने तोड़ दिया है और तोड़ के यहाँ पर नीचे गया। अभी ये इसका रेजिस्टेंस बन गया है और ये रेजिस्टेंस को जब क्रॉस करेगा तब जाके यहाँ पर एक तेजी होती हुई दिखाई दे सकती है, अदरवाइज यहाँ पर गिरावट हो सकती है। और ये गिरावट इसे यहाँ पर 5,973 लगभग यहाँ पर 200 पॉइंट की गिरावट हो सकती है, इस चीज को भी आपको ध्यान में देना है। उसके बाद तो यहाँ पर 5,651 पॉइंट की भी गिरावट हो सकती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर भागा है, बट जैसे ही ऊपर जाती है तो यहाँ पर गिरावट होती है, ऊपर जाती है फिर रिट्रेस होता है। तो इस तरीके से करते करते चीजें और ऊपर जा सकती है। क्यों? क्योंकि मेटल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, मेटल के शेयर के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो चीजें यहाँ पर रुक के शायद आपको और ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो निफ्टी मेटल की तरफ आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अब बात कर लेते थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप की। तो मिड कैप में देखे, क्यों? क्योंकि मिड कैप लोगों के पास बहुत से, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप देखेंगे एक बेहतरीन सपोर्ट बना के रख रखा था, इस सपोर्ट को आज इसने क्या कर दिया है, आज इस सपोर्ट को इसने तोड़ दिया है और अब लेवल जो ओपन अप होते हुए दिखाई दे रहे हैं सीधे यहाँ पर यही लेवल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि यहाँ पर ये अगर यहाँ पर देखे तो ये लेवल यहाँ पर ओपन अप होते हुए दिखाई दे रहे हैं 28,537 के आसपास, लगभग 1,000 पॉइंट की सीधी गिरावट, सॉरी यहाँ पर 500 पॉइंट की गिरावट हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, और ये इसका रेजिस्टेंस बन गया है, जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये रेजिस्टेंस की तरफ नहीं जा रहा, और यहाँ पर नीचे के लेवल यहाँ पर इंटैक्ट यहाँ पर खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन लेवल की तरफ आपको ध्यान देना है। निफ्टी मिड कैप में भी गिरावट होती हुई दिखाई दे सकती है। इसके अलावा निफ्टी स्मॉल कैप की बात करते हैं, तो निफ्टी स्मॉल कैप में भी इसी तरीके का कुछ होता हुआ दिखाई देगा। ऑब्वियस सी बात है, पूरी मार्केट गिरी है। देखिए ये इसका रेजिस्टेंस था, इसे सपोर्ट किया हुआ था कल इसने, बट यहाँ से गिरावट हुई, अगेन यहाँ पर गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है। अभी ये गिरावट कहाँ होती जाती हुई दिखाई दे सकती है, तो 95, ओके यहाँ पर 95 का लेवल यहाँ पर अच्छा खासा दिखाई देता है। 95 का लेवल अगर होल्ड कर लिया ठीक, अदरवाइज यहाँ पर सीधे 95 के लेवल तक आ सकती है चीजें, तो इसकी तरफ भी आप ध्यान दीजिएगा। और रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ये है, ये जब तक नहीं क्रॉस कर रहा तब तक ऊपर नहीं जा रहा, और फिर इसके बाद इसे यहाँ पर भी क्रॉस करना पड़ेगा, ये भी क्रॉस करना पड़ेगा, और अच्छे ब्रेकआउट के लिए ये क्रॉस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप में ये हो गया। अब बात कर लेते हैं निफ्टी आईटी की। निफ्टी आईटी में भी यहाँ पर गिरावट होती हुई दिखाई दी है, और निफ्टी आईटी ने भी अपना ये जो लेवल है इसे यहाँ पर तोड़ता हुआ दिखाई दिया है। ओके और अब यहाँ पर जिस तरीके से गिरावट हो रही है, तो शायद ये गिरावट थोड़ी सी और गहरा सकती है, और गिरा के यहाँ पर ये शायद 1,000 पॉइंट की यहाँ पर देखें 29,892 के लेवल को भी टच करती हुई दिखाई दे सकती है। बट अगर मार्केट ठीक हो जाती है और ऊपर की तरफ यहाँ पर मुड़ जाता है यहाँ से ट्रेंड, तो चीज ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पर एक जो ये लेवल यहाँ पर लाइन खींच रखी है, ये इसके रेजिस्टेंस दिखाई देते हैं, इन्हें क्रॉस जब तक नहीं करेगा तब तक ऊपर जाता हुआ नहीं दिखा रहा। बट बहुत सारे शेयर हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं माइंडट्री की बात करूँ, मैंने मार्केट गिरने से पहले देखा था। हाँ तो देखिए ये देखिए यहाँ पर इसने एक सपोर्ट पर ले रखा है, ये सपोर्ट जब तक इसका इंटैक्ट है तब तक ठीक है, बट सपोर्ट टूटा तो सीधे 2,900 का लेवल यहाँ पर ओपन ओपन होता हुआ दिखाई देता है। निफ्टी मेटल सॉरी निफ्टी मेटल और निफ्टी आईटी दोनों सेक्टर ऐसे दिखाई देते हैं जहां पर अच्छे खासे शेयर यहां पर आपको भागते हुए दिखाई दे सकते हैं, एज वेल एज ऑटो के रिजल्ट काफी बेहतरीन आए हैं। ओके और ऑटो के यहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो एक यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट तो दिखाई देता ही देता है, इसे यहाँ पर जो है यहाँ पर होल्ड कर रखा है, बट गिरावट होती है तो 1,534 का भी सपोर्ट यहाँ पर अच्छा खासा दिखाई देता है, 10,500 का लेवल भी अच्छा दिखाई देता है। तो ऑटो की तरफ ध्यान देना है, ऑटो के रिजल्ट अच्छे खासे आ रहे हैं।
रहे तो शायद चीजें और ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है। निफ्टी फार्मा की बात करें तो निफ्टी फार्मा एक और दो क्वार्टर की और बात है, उसके बाद चीजें अच्छी खासी होगी और यहाँ पर राउंडिंग बॉटम बना के चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पर अभी ये खेल रहा है, ऊपर जा रहा है, रिट्रेस कर रहा है, ऊपर जा रहा है, रिट्रेस कर रहा है। नीचे का लेवल यही यहाँ पर इंटेक्ट है, ओके, ये यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई देता है और यहाँ पर रेजिस्टेंस ये है, ये इसे क्रॉस करेगा तब जाके यहाँ पर ये रेजिस्टेंस की तरफ आएगा और धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा। तो निफ्टी फार्मा के कुछ कंपनी के रिजल्ट काफी अच्छे खासे आ रहे हैं, बट एक से दो क्वार्टर अभी भी लगेंगे इसे यहाँ पर ऊपर जाने के लिए। रियलिटी की बात करें, गोदरेज यहाँ पर प्रॉपर्टी के रिजल्ट जो कि लगातार लॉस कर रही थी, पहली बार यहाँ पर प्रॉफिट में आती हुई दिखाई दी है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट नजर आता है, ओके, इसी सपोर्ट को अगर यहाँ पर तोड़ देता है तो चीजें बिगड़ती हुई दिखाई दे सकती है और लगभग लगभग यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है। बट यहाँ पर जिस तरीके के रिजल्ट आ रहे हैं तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता ज्यादा गिरावट होगी, चीजें यहाँ से मुड़ के शायद ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है। इसके लिए रेजिस्टेंस की बात करें, सबसे पहले 455 और उसके बाद 484, तो यहाँ पर इंडिविजुअल स्टॉक्स को लीजिएगा और उनपे देखिएगा। उसमें सबसे पहले आप मुझे गोदरेज प्रॉपर्टी के रिजल्ट अच्छे लगे, लोधा के भी यहाँ पर अच्छे खासे नजर आ रहे हैं, बट लोधा यहाँ पर एक साइडवेज जोन में यहाँ पर चल रहा है, तो जब तक उसका, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, लोधा जब तक अपना यहाँ पर सपोर्ट को होल्ड किए हुए ये वाला, तब तक ठीक है, और इसे क्रॉस करने ऊपर जब तक जाना है तो इस लेवल को क्रॉस करना बहुत जरूरी है। बाकी ये कुछ ट्रेंडिंग लाइंस है, इसकी तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं और भी कुछ सेक्टर की, निफ्टी एफएमसीजी। निफ्टी एफएमसीजी की बात करूं तो रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, कल आए थे अडानी विलमार के, अडानी विलमार ने लोगों को बढ़िया पैसा बना के दिया, बट बढ़िया पैसा बनाने के बाद सीधे गिरता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ऊपर पहुंचा, ऊपर पहुंचने के बाद यहाँ पर चीजें नीचे आई और लगातार नीचे आ रही है और 5% का जो ऊपर 5% से भाग रहा था, अब 5% से नीचे आता हुआ दिखाई देगा, रिजल्ट एकदम बकवास आते हुए दिखाई दिए इसके, जो कि मैं आपको यहाँ पर बात भी करेंगे, आगे चल के एक वीडियो बनाता हूँ तब बात करते हैं। एफएमसीजी के रिजल्ट कुछ कंपनी के अच्छे आ रहे हैं, कुछ के बेकार आ रहे हैं, बट ऊपर का लेवल जब तक ये क्रॉस नहीं कर रहा तब तक आप भूल जाइए कि इसमें तेजी होगी, तो यहाँ पर गिरावट हो सकती है और ये शेयर शायद थोड़ा सा ड्रैग हो सकता है एफएमसीजी। और बेफालतू में आज जो ब्रिटानिया को भगाया है तो फंसाने के लिए भगाया है, तो याद रखिएगा न्यूज के चक्कर में नहीं आना है कि 10% भाग गया, 20% भाग गया, बहुत बेकार इसके रिजल्ट आए थे, इससे रिलेटेड भी मैं बात करूंगा तो आपको यहाँ पर चीजें समझ में आएगी। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है और बाइंग करनी भी है तो याद रखिए मेटल और आईटी इन दो सेक्टर में ही रही है। क्यों? क्योंकि रिजर्व अच्छे खासे है, डेट फ्री लगभग कंपनी नजर आती है और इन्फ्लेशन का इन पे कोई इफेक्ट पड़ने नहीं वाला और कोविड के केस भी बढ़ रहे हैं, तो कोविड के केस बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर डिजिटल सब कुछ होता हुआ नजर ऑलरेडी आ गया, वर्क फ्रॉम होम से यहाँ पर सब कुछ चलती हुई नजर आ रही है। निफ्टी एनर्जी की बात करें, निफ्टी एनर्जी की भी देख लेते हैं, ऑलरेडी तेजी हो गई है, एक सपोर्ट यहाँ पर बनाता हुआ दिखाई दिया जब तक ये इंटेक्ट ठीक है, बट गिरता हुआ दिखाई देता है तो यहाँ पर गिरावट हो सकती है, तो यहाँ पर भी आप प्रिपेयर रहिएगा। तो यहाँ पर इसी तरीके से चीजें चलती हुई नजर आ रही है, बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी कोई क्वेरीज हो तो यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा, स्टॉक से रिलेटेड या जैसे भी, वो मैं सॉल्व करने की आपकी कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ब्लेस।